मार्क का क्वेश्चन था और ज्यादा कुछ इसमें पूछा भी नहीं है, बस इसमें जो है क्वेश्चन का जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा है। 2014 में ये क्वेश्चन आपका आया था, 2014 में, और इसमें सिंपल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम्ब्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, पहले ही आपने इसकी तैयारी कर रखी है, आई होप आपने कर रखी होगी, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए अपने आप ईमानदारी से, देन उसके बाद वीडियो को अनपॉज कीजिए और सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि दो बॉल्स हैं लाइक ए एंड बी और दोनों को इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है, ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है हमारे ये इंसुलेटिंग है या इंसुलेटेड मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा इंसुलेटेड मटेरियल और ये यहाँ पर जो है एक आप कह सकते हैं कि स्टैंड से लटके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आपसे क्या कहा है, ये जो लेंथ है ये भी आपको कहा गया है कि लेंथ इक्वल है और साथ ही साथ आपसे कहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि जब ये वाली सिचुएशन है तो विदाउट एनी प्लास्टिक शीट यहाँ पर क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी प्लस क्यू जो है चार्ज होगा और क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर फोर्स कंसिडर करके चल रहा हूँ, ये होगी फोर्स एफ, ठीक है। इसके ऊपर भी फोर्स जो है वो सेम लगने वाली है, एफ मैग्नीट्यूड होगा 1/4 πε0 q into q/r2। लेट अस सपोज इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, हालांकि हमें यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर कंसिडरेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन ये है विदाउट एनी प्लास्टिक शीट बिटवीन द टू चार्जेस, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 πε0 q²/r2। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट करूंगा, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ एक प्लास्टिक शीट जो है वो इंसर्ट कर दी है इन दोनों के बीच में, अब देखिए होगा क्या, अब प्लास्टिक शीट का कुछ ना कुछ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, लेट अस सपोज इट इज के, और हम ये भी जानते हैं कि जब कभी भी हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं तो उसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज। और फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए भी हम क्या कहेंगे कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है या इंसुलेटर है, इसके लिए भी जो हमारी के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और रिलेशन भी पता है कि अगर मैं बात करता हूं ER की, ये इक्वल होता है k टाइम्स ऑफ E0, यानी कि इन सिंपल मैं ऐसे कह सकता हूं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, ये जो हमारा k है इसकी वजह से यहां पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, जो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे जो कि हमारा था एयर या फिर वैक्यूम के लिए, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी ER। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई प्लास्टिक इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट या के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एयर और वैक्यूम, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको सिंपली ये लिखना है कि एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ये आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू 1/4 πε0 q²/r2। अब ये सिचुएशन है जब आपका प्लास्टिक शीट वहां पर इंसर्टेड कर दी जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर इसको इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को कंपेयर करना है तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है या तो मुझे इसको कन्वर्ट करके इसके फॉर्म में लिखना होगा या फिर एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कन्वर्ट करके एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना होगा, ये हो जाएगा q²/r2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिख सकता हूँ 1/k, k को मैंने बाहर निकाल लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 1/4 πε0 q²/r2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली फोर्स कौन सी है मेरी, इसको मैं f डैश कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए या फिर इसको सिंपली f कहता हूँ, इसको f नॉट कह देता हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फोर्स। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल्स टू 1/k f
नॉट, और क्योंकि हमारा जो के है वो ग्रेटर देन वन है, के हमारा क्योंकि ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन ये हो जाएगी कि जो हमारा एफ होगा वो लेस देन एफ नॉट होगा, क्योंकि जब कभी भी आप यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू रख के देख लीजिए, लेट अस सपोज हमारी के की वैल्यू 2 है, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कि के की वैल्यू हमारी 2 है, जिससे कि हम आसानी से समझ पाए कि कौन सा इनमें बड़ी क्वांटिटी होगी और कौन सी छोटी क्वांटिटी होगी, और हमने ये भी कंसिडर कर लिया कि एफ नॉट की वैल्यू हमारी 10 न्यूटन से, ठीक है, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि वो ये नहीं समझ पाते एफ नॉट की वैल्यू, मतलब एफ नॉट बाय के ये फॉर्मूला देखने के बाद भी कि इसमें एफ नॉट बड़ा होगा या फिर एफ बड़ा होगा, कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होता है। तो उसमें बेहतर ये होगा कि आप एक एग्जांपल लेकर देख लीजिए, जो भी आपके पास सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर ये सिचुएशन है आपके पास कि के आपका जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, तो आप यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो 2 लेकर देख सकते हैं यहाँ पर, और एफ नॉट की वैल्यू हमने 10 ले ली है, देन ये सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पर एफ की वैल्यू आपकी 5 न्यूटन आ जाएगी। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी एफ की वैल्यू है वो लेस देन एफ नॉट आएगी। अब यहां पर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। देखिए सिंपली आपको यहां पर 2 बॉल्स बनानी है, ये वाला डायग्राम अगर आप बना देंगे तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपको कम से कम आधा मार्क्स तो मिल जाए अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है। तो यहां पर फोर्स लगेगी एफ और यहाँ पर भी फोर्स लगेगी एफ, लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ये मैंने एक फिगर अच्छी सी फिगर बना ली है, यहाँ पर लेंथ एल मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लेंथ एल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट नेक्स्ट फिगर में हम बना लेते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा कम भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके यहाँ पर इसको बना रहा हूँ। मैंने प्लास्टिक शीट यहाँ पर डाल दी, एफ हो जाएगा, अगेन द डिस्टेंस इज आर, एंड यहाँ पर हम आर यहाँ पर सॉरी जो एल है वो इस बार शो नहीं करेंगे क्योंकि उसके कोई नीड नहीं है हमें यहाँ पर, सिंपली हमारी 2 फिगर बन गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू एफ नोट, हमने कंसिडर कर लिया और इसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय R² सिंपली हमें यही लिखना है डायरेक्टली, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q² बाय R² और सिंपली यहां पर आपको लिखना है कि एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंड सिंपली यहां से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं एफ इज इक्वल्स टू 1/K f नॉट, सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको भी पुट कर सकता हूँ, मुझे कोई और यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट एफ इज इक्वल्स टू 1/K f नॉट बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1 फॉर प्लास्टिक शीट, सो एफ विल बी स्मॉलर देन एफ नॉट, ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में भी कराया है, आप इसको थोड़ा थोड़ा कट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली एफ की वैल्यू जो है ये पुट कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली आप ये लिख देंगे एंड देन ये वाली लाइन लिखकर आप इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरा लिख दें, आपके चांसेस हैं कि आपको इसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे।